हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने वॉल हैंगिंग बनाया है, तो आप बने रहेगा मेरे साथ पूरी वीडियो में, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये मैंने एक गत्ता ले रखा है जो हमें मतलब आसानी से मिल जाता है अपने घरों में, जिसको हम इधर उधर फेंक देते हैं या फिर कूड़े वालों को दे देते हैं। तो यही गत्ता लेना, एक हार्ड गत्ता लेना, लूज मतलब जो हल्का हल्का होता है उसको मत लेना। तो मैंने पेंसिल से ये हार्ड बना दिया है, दिल बना दिया यहाँ पे। तो इसको मैं पूरा काट दूँगी, ये बीच का हिस्सा भी और बाहर का हिस्सा भी इसको काट दूँगी। तो कुछ इस तरीके से दिल बना रखा है मैंने। तो चलिए पहले इसको अलग कर देते हैं। तो इसको मैं पहले दो हिस्सों में अलग कर देती हूँ। तो और इसके आसपास का पूरा काट लेती हूँ गत्ता। तो ये इधर बाहर का तो कट चुका है और अब बीच का काट दूंगी। और बीच का मैंने इतना काट दिया है और अब चाकू से काट रही हूँ, क्योंकि कैंची से कट नहीं रहा था। बिल्कुल सावधानी से काटना पड़ रहा है, कहीं इधर उधर हो गया तो गत्ता भी नहीं बचा था मेरे पास। तो इस तरीके से मैं इसको पूरा काट देती हूँ। बीच वाला हिस्सा भी कट चुका है और ये बाकी भी मैंने काट दिए हैं तीन और। और इसको इस तरीके से इस पे धागा लपेट देना है। अगर आप लोग बनाओगे तो आप लोग ना थोड़ा मोटा सा धागा लेना, क्योंकि एक बारीक धागे में बहुत टाइम लग रहा है और मोटा धागा रहेगा तो जल्दी जल्दी से बन जाएगा। इसी तरह से इस पे पूरा धागा लपेट लेना है और फिर ये धागे को ऐसे उंगलियों में लपेटना है, क्योंकि हार्ड के बीच में एक फ्लावर बनाना है। तो कुछ इस तरीके से लपेट के एक फ्लावर बनाना है और उनको सुई की सहायता से बांध देना है और ऐसे ही पांच बनाने हैं और उनको आपस में जोड़ देना है तो फ्लावर बन जाएगा। तो फिर एक झालर सा बनाऊंगी। तो ऐसे इसी तरह से एक ही आकार का एक गत्ता काट दिया है मैंने और इस पे मैं धागा लपेट लूँगी कुछ इस तरीके से। और जितनी ज़रूरत है उतनी ही लपेटूंगी और उसको गत्ते से बाहर निकाल के ऐसे ही धागा इस पर लपेट लपेट के उस पर नोट लगा दूंगी सुई की सहायता से। तो इस तरीके से अच्छे से नोट लगा देना है ताकि ये खुले नहीं। और ये जो नीचे से है तो उसको कैंची से इस तरीके से काट देना है और ये मेरा झालर बन गया है। और ये जो इसके नीचे का हिस्सा है ना तो पूरा बराबर होना चाहिए। तो ये मैंने मोती ले रखे हैं झालर पे लगाने के लिए। तो मोती
दो गोल्डन और एक रेड कलर का ले रखा है मैंने, और इसी तरीके से और इन दोनों पे भी लगा दिया है मैंने। तो ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये झालर बन के, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पे जो तीनों है जो मैंने गत्ता काट रखा है उस पे मैंने चारों पे लपेट दिया है, तीन नहीं चारों पे लपेट दिया है। तो अब इन सबको मैं आपस में जोड़ लेती हूँ, और जोड़ने के बाद ये इस तरीके से बन के तैयार हो गया है। आप देख सकते हो फ्रेंड्स कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। एक तो मैंने सबसे नीचे वाले पर लगाए और दो इधर उधर, ये जो बीच में मैंने फ्लावर बनाया था इस तरीके से बनाया था मैंने, इसलिए नहीं बताया ना मैंने क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इतने तो आप समझदारी हो। ये देखो मैंने दीवार पे भी टांग दिया है, तो यहाँ पे कितना प्यारा लग रहा है दीवार पे टांग के, आप देख सकते हैं। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है ये। तो यहाँ पे मेरी घड़ी भी टकी हुई है, बीच में बल्ब है, तो यहाँ पे ये लगा दिया है मैंने। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वॉल हैंगिंग घर के सजावट के लिए बनाया है, ये दीवार की सजावट के लिए मैंने बाहर हॉल में लगा दिया है इसको, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ये मेरी वॉल हैंगिंग की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।